न्यूज, मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं हमारा आज का खास प्रोग्राम स्टार लाइफ। स्टार लाइफ में आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिनकी खूबसूरती का डंका ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बजता है। ऐश्वर्या की खूबसूरती का तो सारी दुनिया दीवानी है। बता दें दोस्तों, ऐश्वर्या राय साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको उनके बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी और जिसे जानने के बाद आप और भी उत्सुक हो जाएंगे ऐश्वर्या राय के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, जहाँ ऐश्वर्या राय ने सालों पहले बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंट्री की थी, उससे पहले ही वो डेब्यू कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कैमलिन पेंसिल के एड से इंडस्ट्री में एंट्री कर चुकी थी ऐश्वर्या राय बच्चन। उनके बचपन की तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसमें वो अपनी बेटी का ही दूसरा रूप नजर आती हैं। अक्सर ही आराध्या बच्चन और ऐश्वर्या के बचपन की तस्वीरों को कंपेयर किया जाता है, जिससे तो साफ साफ यही जाहिर होता है कि आराध्या बिल्कुल अपनी माँ जैसी ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बता दे, ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनकी खूबसूरती का डंका सारी दुनिया में बजता है, उनको इसके खिताब से भी नवाजा जा चुका है। दरअसल मैडम तुस्ताद म्यूजियम, जो काफ़ी फेमस है दुनिया भर में, बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनका मैडम तुस्ताद के म्यूजियम में पहला मोम का पुतला लगा था। जी हाँ दोस्तों, यानी बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस से पहले ऐश्वर्या राय वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर चुकी है। तो वहीं ये भी बता दे आप सभी को कि ऐश्वर्या राय पहले मॉडलिंग नहीं करना चाहती थी, यानी हमेशा से उनका मॉडल बनने का सपना नहीं था। वो तो एक आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, लेकिन कॉलेज के दिनों में उनकी किसी टीचर ने उनको इस बात के लिए कहा कि वो आर्किटेक्ट का सपना छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दे। और अगर वैसे देखा जाए तो अपनी उस टीचर की वजह से ही ऐश्वर्या आज इस जगह पर है। इतना ही नहीं दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको ऐश्वर्या राय से जुड़े कुछ ऐसे ही सच बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी हैरानी होगी। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। दोस्तों, ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, और काफी समय पहले ही अपनी खूबसूरती का डंका ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी बजा चुकी हैं। अब भाई, जैसा कि सब जानते हैं कि ऐश्वर्या राय, जो साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब कर चुकी हैं अपने नाम, ना सिर्फ मिस वर्ल्ड बल्कि उनकी जिंदगी से जुड़े और भी कई ऐसे रहस्य हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐसी छुपी बातें हैं जिसे आप भी जरूर जानना चाहेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे ऐश्वर्या राय बच्चन से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें जो शायद ही किसी को पता हो। तो भाई, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ऐश्वर्या राय बच्चन, जो आज ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम से ही जानी जाती हैं सारी दुनिया में। अगर बात की जाए उनके निकनेम के बारे में, तो बता दे ऐश्वर्या की तरह ही उनका नाम भी बेहद क्यूट है, यानी ऐश्वर्या का नाम है गुल्लू। उनके घर वाले उनको गुल्लू कहकर बुलाया करते हैं। तो वहीं ऐशु भी ऐश्वर्या का ही दूसरा निकनेम है। अब भाई, हर किसी के बचपन में उसका कोई ना कोई निकनेम तो होता ही है। अब यहाँ हमारी ब्यूटी क्वीन का निकनेम रहा है गुल्लू। और जहाँ आज ऐश्वर्या की एक्टिंग की तारीफें की जाती हैं, और जहां सालों पहले फिल्म से एंट्री कर चुकी हैं ऐश्वर्या, तो वहीं बता दे कि अपने बचपन में ही वो एक्टिंग के करियर में डेब्यू कर चुकी हैं। दरअसल कैमलिन पेंसिल का एड शूट कर चुकी हैं ऐश्वर्या, जो उन्होंने अपने 9th स्टैंडर्ड के दौरान किया था, यानी 9वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते ऐश्वर्या ने अपनी क्यूटनेस से ऐसे लोगों के दिलों पर राज किया कि उन्होंने इतनी कम उम्र में कैमलिन पेंसिल का एड शूट किया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उनके बारे में सिर्फ यही बातें नहीं हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड की पहली इंडियन एक्ट्रेस हैं,
जिनका मॉम का पुतला मैडम तुस्ताद म्यूजियम में विदेश में लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अब काजोल से लेकर माधुरी दीक्षित का भी मॉम का पुतला लग चुका है मैडम तुस्ताद म्यूजियम में, तो वहीं इन एक्ट्रेस में सबसे पहले नाम शामिल हुआ था ऐश्वर्या राय का। सबसे पहले ऐश्वर्या का ही मॉम का पुतला लगाया गया था। लेकिन जहाँ अपनी खूबसूरती को लेकर सारी दुनिया में छा चुकी हैं ऐश्वर्या, सिर्फ खूबसूरती में ही आगे नहीं है बल्कि पढ़ाई में भी खूब आगे रही हैं आप सभी की फेवरेट ऐश्वर्या राय बच्चन। और बता दे कि जहां आम इंसान एक या दो या फिर ज्यादा से ज्यादा तीन भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, वही ऐश्वर्या 6 भाषाएं जानती हैं। जी हाँ दोस्तों, 6 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान रखती हैं ऐश्वर्या राय बच्चन। और दूसरी तरफ क्लासिकल डांसर भी हैं, यानी ना सिर्फ एक्टिंग, ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि डांस में भी माहिर हैं आप सभी की फेवरेट ऐश, या फिर यूं कहें कि गुल्लो। तो वहीं जब बात उनकी फैमिली के बारे में होती है तो अक्सर ही ऐसा सुनने में आता है कि ऐश्वर्या इकलौती औलाद है, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी ऐश्वर्या के भाई भी हैं आदित्य रॉय। जी हाँ, लेकिन कभी भी आदित्य को लाइमलाइट में नहीं देखा गया क्योंकि वो तो विदेश में इंजीनियरिंग की जॉब करते हैं। अब कभी भी उनको बहन ऐश्वर्या राय के साथ नहीं देखा जाता है। इसी के साथ बता दें, ऐश्वर्या राय की फिल्म दिल का रिश्ता के को प्रोड्यूसर हैं उनके भाई, तो वहीं उनकी माँ है को राइटर इस मूवी के लिए। तो भाई अब तो आप ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में ऐसी बातें जान चुके होंगे जो आपको शायद ही आज तक पता हो, लेकिन हम आपको बता चुके हैं ऐश्वर्या राय, या फिर यूं कहें कि गुल्लू के बारे में ऐसी बातें जो आपको खूब पसंद आई होंगी। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन एक काफी समय बाद फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाली हैं। फिल्म फन ने कहा कि शूटिंग में वो काफी समय से बिजी हैं। तो साथ ही बता दें कि ब्यूटी क्वीन जो अगर देखा जाए तो उनके इशारों पर दुनिया को चला सकती हैं। लेकिन हाल ही में मिली जानकारी की माने तो ऐश्वर्या पैसों के लिए अब सरेआम नाचने को मजबूर हो चुकी हैं। दरअसल बता दे दोस्तों, हाल ही में उनकी फिल्म फन्नेखा अपने ग्लैमरस अवतार को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इसी के साथ बता दे, अब खबरें आ रही हैं कि ऐश्वर्या इस फिल्म में आइटम सॉन्ग करने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं अब गाने को लेकर काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। दरअसल बता दे, फिल्म की शूटिंग तकरीबन पूरी हो चुकी थी सिवाय एक गाने की। यही गाना 2 दिन पहले मुंबई में शूट किया जा रहा था। गाने की शूटिंग मुंबई के फिल्मिस्तान स्टूडियो में चल रही थी। खबर है कि गाने के लिरिक्स सुनने के बाद ऐश्वर्या ने निर्माता और निर्देशक से इसे बदलने के लिए बोल दिया। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि बाद में ऐश्वर्या ने गाने के बोल हटाने की बजाय इस पूरे गाने को ही बदलने की बात कही है, जिसे प्रोड्यूसर्स ने माना भी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि गाने के बोल अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने निर्माता निर्देशक से इसे बदलने के लिए कहा है। तो वहीं बता दें कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन का आइटम सॉन्ग होने वाला है, जिसे उनके फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गाने में देखने के लिए। ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन ना सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा ही उनको खबरों में देखा जाता है। तो बता दें, हाल ही में ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आई हैं, जिसमें बेहद खूबसूरत लग रही हैं ऐश्वर्या। वाकई उनकी इस फोटो को देख कहना पड़ेगा कि उम्र भी उनकी खूबसूरती को नहीं रोक सकती। आज इस उम्र में भी वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। इसी के साथ बता दें, ऐश्वर्या इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म फन्नेखा को लेकर खबरों का हिस्सा है। फिल्म में ग्लैमरस अवतार में नजर आने वाली हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, तो फिल्म के सेट से भी उनकी तस्वीरें अक्सर ही वायरल होती रहती हैं। अगर बात की जाए इसके अलावा तो बता दें, ऐश्वर्या ने जब से सोशल मीडिया पर डेब्यू किया है तभी से अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और उनके फैंस उनकी हर फोटो को खूब पसंद भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में जहाँ आप देख चुके हैं आज के इस खास प्रोग्राम में ये खास बातें, तो वहीं जहाँ अक्सर ही उनकी फैमिली के बारे में भी बात की जाती है, तो बता दे दोस्तों कि ऐश्वर्या राय अपने माता पिता की अकेली संतान नहीं है बल्कि उनका भाई भी है आदित्य रॉय, जो विदेश में रहते हैं। तो वहीं बता दे कि ऐश्वर्या की फिल्म के
को प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं उनके भाई आदित्य रॉय, जो कम ही लाइमलाइट में नजर आते हैं। उनके भाई को कम ही देखा जाता है किसी भी फंक्शन या इवेंट में। तो वहीं दूसरी तरफ बता दें कि ऐश्वर्या राय ना सिर्फ खूबसूरती में नंबर वन है, बल्कि अपनी नॉलेज, अपनी पढ़ाई के हिसाब से भी वो नंबर वन रही हैं हमेशा ही, और 6 भाषाओं की नॉलेज रखती हैं आप सभी की फेवरेट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। तो वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ पढ़ाई और ना सिर्फ खूबसूरती के मामले में, बल्कि क्लासिकल डांसर भी रह चुकी हैं ऐश्वर्या। जी हाँ दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में, जब आपने जाना ऐश्वर्या राय को बेहद करीब से, जहाँ उनके बारे में हम अक्सर ही उनकी तस्वीरों को देखते हैं, हम उनकी फिल्मों को देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो हम नहीं जानते उनके बारे में, ये हम आपको आज बता ही चुके हैं। तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।